नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मेरा चैनल मेरा एक ज्ञान में आपका एक बार स्वागत है फिर से। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हम जो फ़ोनों में उलझे रहते हैं, नए फ़ोन खरीदने में हमें जितनी परेशानियाँ होती हैं, जैसे हमें कोई भी नया फ़ोन लेना है, हम एक पुराना फ़ोन चलाते चलाते बोर हो चुके हैं और अब हमें नया फ़ोन लेना है, तो ये बहुत ही बड़ा डिसीज़न है एक बजट फ़ोन लेने के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास वर्कर के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे 7,000, 9,000, 11,000 हमारी सोच बढ़ती रहती है, उस हिसाब से हमारा बजट भी बढ़ता रहता है, लेकिन हमारा बजट रुका हुआ वहीं होता है। मतलब किसी के पास अगर 7,000 रुपये है तो वो सोचता है कि 7,000 रुपये की बजाय अगर मैं 2,000 उसमें और डालूँ तो एक अच्छा फ़ोन ले लूँ, अगर 9,000 रुपये हैं मेरे पास हैं तो मैं 2,000 रुपये और डाल के 11,000 वाले ले लूँ, अगर मेरे पास 11,000 का बजट है तो मैं 2,000 डाल के और 13,000 वाला ले लूँ, 13,000 का बजट है तो मैं उसमें 2,000 डाल के और 15,000 का फ़ोन ले लूँ। ये दिमाग में टेंशन चलती रहती है, लोग से पूछते रहते हैं यार कैसा फ़ोन चाहिए, कैसा फ़ोन होना चाहिए जिसमें मेरा गेम भी अच्छा चले, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी, फ़ोन की अच्छी रहे और अच्छे से अच्छा वो वर्क करे, रैम अच्छी हो, इंटरनल स्टोरेज अच्छी हो, प्रोसेसर अच्छा हो। लोगों से पूछते रहते हैं, सजेशन लोग भी सजेशन देते रहते हैं, यार तू अगर 7,000 का फ़ोन ले रहा है तो 2,000 रुपये डाल के उसमें दूसरा फ़ोन ले ले, उससे अच्छा बेटर फ़ोन ले ले, तो गेम भी खेल पाएगा और ये भी कर पाएगा। मतलब जैसे मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से, मेरे सर में भी दर्द होने लग जाता है जब मैं इन फ़ोन के बारे में सोचता हूँ। एक मेरे लिए क्या, एक मिडिल क्लास आदमी भी ये सोचते उसके परेशान हो जाता है कि मुझे अपने बजट में कौन सा अच्छा फ़ोन लेना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, इस टेंशन का बहुत अच्छा छुटकारा है। सॉरी मैं बिजी थोड़ा सा। हाँ मैं आपको बता रहा था कि कैसे इस चीज़ों छुटकारा पाया जाए। मैं आपको दोस्तों देखो कहता हूँ, जैसे हमें हमारा 7,000 का बजट है, हम सोचते हैं कि हम एक रेडमी फाइव ले लें। अब दिमाग में चलना है कि यार रेडमी 5 ले रहा हूँ, इसकी स्नैपड्रैगन कम है, 450 है, बैटरी भी इसकी कम है, कैमरा भी कम है, लेकिन यार सोचो ना 7,000 में कंपनी और आपको कितना फ़ोन देगी, कितनी चीज़ें देगी। ठीक है 7,000 के बजट में आपका, अगर 7,000 का बजट है तो फ़ोन ज़्यादा ना सोचे, फ़ोन ले ले। ठीक है इससे क्या होगा, आपका नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, पुराना फ़ोन आपका अगर इससे ऊपर है तो कोई बात नहीं, आप नीचे का फ़ोन ले लीजिए, इससे क्या है आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई बात नहीं चला लीजिए 6 महीने के 7 महीने के लिए, आप इसको चला लीजिए फिर इसको सेल कर दीजिए, क्या पता आपको और अच्छे पैसे आ जाए और थोड़ा आपका अच्छा बजट बन जाए फ़ोन के लिए, तो आप इस फ़ोन को ले लीजिए, ज़्यादा सोचे ना। ठीक है 2,000 के चक्कर में रहोगे तो आप कभी दूसरा फ़ोन भी ले नहीं पाएंगे, मेरा सजेशन तो ये है। ठीक है अब जैसे आपके पास है 9,000 रुपये का बजट है, 9,000 रुपये में आपका आ रहा है रेडमी नोट फोर में आपका अच्छा है, जो मैं भी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, रेडमी नोट 4 का प्रोसेसर, रैम वगैरह सब इसकी अच्छी चीज़ें हैं और इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी, गेम भी आप इसमें अच्छे खेल सकते हैं। तो ये ना सोचें कि मेरे पास अगर रेडमी नोट 4 है तो मैं और इससे अच्छा लेऊंगा, लेना तब जब आपके पास लेने का उसका 13,000 रुपये का या 11,000 का, तो आपको ये भी मिल जाएगा 13,000 का बजट आपका जब हो, जब कोई अच्छा फ़ोन आ रहा हो उस बजट के अंदर, तब उस दूसरा फ़ोन जाके ले, वरना आपका अगर बजट 11,000 का बजट है तो 10,000 का या 9,000 का बजट है आप Redmi Note 4 लें। ठीक है अब बात करते हैं इससे ऊपर थोड़ा सा आएंगे, आपका Redmi 6 Pro, लोगों का अगर बजट है Redmi 6 Pro का तो मैं तो Redmi 6 Pro के साथ ही जाऊंगा, क्यों इसमें आपका प्रोसेसर भी ठीक है, Redmi Note 4 वाला प्रोसेसर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्नैपड्रैगन 625 है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, नोच आपको मिल जाती है इसमें। और मैं तो कहता हूँ इस फ़ोन को लेकर भी बहुत से बंदे सोचते रहते हैं कि यार इसमें को लूँ ना लूँ, स्नैपड्रैगन 625 इसमें पुराना प्रोसेसर डाला है रेडमी ने, लेकिन यार सोच के देखो इसका प्राइस भी तो कम है, 11,000 और 13,000, जो रेडमी नोट 4 आप उस टाइम पर ले रहे थे वही अभी नया फ़ोन निकाल दिया उन्होंने, 6 निकाल दिया, इसमें भी चीज़ें हुई हैं लेकिन नोच आपको दे दी है, इसमें कैमरा थोड़ा आपका ब्यूटीफाई कर दिया है और तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। ठीक है अब आप दूसरे फ़ोन के साथ जाएंगे, आप फिर दूसरे बजट पर जाएंगे, जैसे आपका बजट है 13,000 रुपये, 13,000 रुपये के साथ 13,000 रुपये के साथ आप जाइए, जैसे आपका आता है MI A2 तो फिर आपका महंगा फ़ोन है, 15,000 रुपये का 17,000 रुपये का हो गया ये। अब आप जाएंगे इसमें ओनर का 9, दिमाग में आता है ओनर 9 यार 11,000 रुपये में भी है, 13,000 रुपये में भी है, 14-17,000 रुपये में भी है, तो मैं आपको कहता हूँ यार देखो भूल जाओ ये सब चीज़ें कि यार मेरे को क्या है, मैं 2,000 और मिला लूँ, 3,000 और मिला लूँ, 4,000 और मिला लूँ, वो कभी होने वाला है नहीं, अगर हो भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं कहता हूँ जितने पैसे आपके पास हैं उसी हिसाब से अपना फ़ोन खरीदें, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कंपनी हर महीने अपना एक नया नया फ़ोन निकालती रहती है
तो इस बात में आप सीधा कंफ्यूज होते रहेंगे, सोते रहेंगे, रात भर जागते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, फोन के दिमाग कंफ्यूज होता रहेगा कि यार मेरे को ये फोन लेना है, मेरे को ये फोन लेना है, मेरे को वो फोन लेना है। इससे अच्छा है आपका जितना बजट है तो, और इस चीज में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई सा भी फोन लोगे, आप कोई सा भी फोन ले लो, चाहे वो आपका क्या नाम है, 13,000 का है, चाहे 9,000 का है, चाहे 11,000 का है, चाहे 15,000 का, चाहे 20,000 का, कोई ना कमी फोन के अंदर आपको मिलेगी ही मिलेगी। किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी फोन के अंदर आपको कोई ना कोई कमी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे आपका ये ले लो, MI A2 ले लो, इसमें आपका सब कुछ सेटअप दे रखा है इसमें, लेकिन क्या है, पिन इजेक्टर जो है इसकी अलग से दे रखी है। इसमें 3.5 mm का जैक नहीं दे रखा है, जो बहुत ही मतलब पसंद नहीं आया मुझे, वरना मैं इसी फोन को ले रहा था। मेरा दिमाग इस वहाँ से हट गया, कौन इसकी जैक ढूंढता फिरेगा, कौन ब्लूटूथ के हेडसेट यूज करता रहेगा। तो लीड का सिस्टम 3.5 mm जैक होना जरूरी है फोन के अंदर, तो इस चीज़ से मैंने फोन इसको छोड़ दिया। ठीक है, बाकी मैं तो आपको कहूँगा, देखो दुनिया के अंदर बहुत सारे फोन हैं, कंपनी हर महीने अपना एक नया फोन निकाल लेती है। इससे अच्छा है ज़्यादा मत सोचें, आपके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से फोन लें, वरना हर चीज़ को आप उस चीज़ में फोन में प्रॉफिट देख रहे हो तो थोड़ा अपना भी फायदा देखें। कि अगर किसी फोन की मैं 7,000 का फोन लूंगा तो उसमें मैं गेम उसमें कम खेल पाऊंगा, ठीक है, आप कम खेल गेम गेम कम खेलेंगे तो उसमें आपके हाथों में को भी आराम रहेगा, और क्या नाम है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसको आप कम यूज़ करेंगे, और आपके बॉडी जो हम आँखों में हम 24 घंटे फ़ोनों में लगे रहते हैं, हाथ दर्द करने लग जाते हैं, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियाँ हैं मैंने देखी है न्यूज़ में जो होने लग जाती हैं, उनसे सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। ठीक है यार, आप कहेंगे कि यार ये सब चीज़ें छुटकारा मिलेगा तो हम फ़ोन लेने का हमारा फ़ायदा क्या? देखो फ़ायदा तो यही है कि आप कि दूसरी बीमारियों से बचे रहेंगे, रात रात भर फ़ोन आप चक के देखते रहेंगे, वीडियोस देखते रहते हैं, ये करते रहते हैं, उल्टा मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिमाग चलता रहता है। ज़्यादा बैटरी होगी तो फ़ोन ज़्यादा यूज़ होगा, हाथों में और ज़्यादा पेन पड़ेगा, और आँखों और आँखें हैं, हाथ हैं, मतलब सारी चीज़ें जो है आपकी नींद भी ख़राब होगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बीमारियाँ हैं, ये तो आप जानती होंगे कि न्यूज़ देखते होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब, और दिमाग स्ट्रेस में होने के बाद तो इतना गुस्सा आता है किसी चीज़ के लिए, आप घर में कोई कोई काम बता दे गुस्सा आने लग जाता है, और मतलब फैमिली मेम्बर्स पर अगर आपको कुछ बोल देता है तो आप उसको चिल्ला के पड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से छुटकारा है, आपका जितना फोन, आपका जितना बजट है, आप जितना इनकम कमा रहे हैं उसी हिसाब से अपना फ़ोन लीजिए, मेरा ओपिनियन तो यही है। बाकी आपका बहुमूल्य टाइम देने के लिए धन्यवाद, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा एक ज्ञान प्लीज़ यार, मैं नया अभी चैनल को नया चला रहा हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, कम से कम मेरा एम है अभी 100 लाइक का, तो अभी मुझे आप 100 लाइक दीजिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए।